दोस्तों आज मेरे पास आया है रियलमी कंपनी का C15 मॉडल, जिसका कोड है RMX2195। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में ये RMX2195। तो दोस्तों इसमें पैटर्न लॉक लगा है, पिन लॉक लगा है या फिर FRP लॉक लगा है। लेकिन दोस्तों ये जो मोबाइल दिया है हमको, जिस कंडीशन में दिया है, ये अभी लॉक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका कोड दिखा रहा हूँ, RMX2195। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है, टॉप में डिस्प्ले के टॉप में यहाँ पे एक लॉक का सिंबल दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक का सिंबल देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब ये FRP लॉक में रुक गया है, जिस कंडीशन में हमको कस्टमर ने दिया था, ऐसे ही कंडीशन में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे FRP लॉक लगा है, इसको कैसे हटाएंगे, बिना टूल, बिना ऑनलाइन और बिना फ्लैशिंग के जरिए। तो दोस्तों ये वीडियो में एंड तक बने रहें, ये वीडियो में हम लोग बताएंगे रियलमी C15 या फिर और कोई नया मॉडल जो आ रहा है, कैसे इसको बिना टूल, बिना FSP या फिर बिना ऑनलाइन से हम लोग खोल सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन और पावर की को एक ही साथ में प्रेस करके 5 से 7 सेकंड तक रखना है। उसके बाद आप देखते रहें ये वीडियो में कैसा प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये रिकवरी मोड में आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं 3 लैंग्वेज यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करें, इसके बाद रियलमी UI रिकवरी मोड में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वाइप डाटा पे सिलेक्ट करके ओके करें। वाइप डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखा रहा है वाइप डाटा, प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पे देख सकते हैं 6232 इसका कोड है, वेरिफिकेशन कोड। उसको देने के बाद ये फॉर्मेट हो जाएगा और फॉर्मेट डाटा में क्लिक करके ओके कर देना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस लगाएंगे जो कि हमारा मोबाइल का FRP लॉक, पिन लॉक या फिर पैटर्न लॉक उठ जाएगा। बिना ऑनलाइन कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, आप लोग घर में ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी डाटा होगा सब कुछ लॉस हो जाएगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग लिख के वाइप डाटा सक्सेसफुली हो गया है, ये फॉर्मेट हो गया है, ये मोबाइल फॉर्मेट पूरा 100% हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक रिबूट लेगा। रिबूट होने के बाद हम लोग देखते हैं क्या सेटिंग करता हूँ मैं और कौन सा कोड देने से आपका FRP या फिर पिन, पैटर्न या फिर पासवर्ड, तो कोई भी लॉक लगा होगा तो ये ट्रिक से आप लोग खोल सकते हैं। कोई भी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑनलाइन फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सब जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक देखना ही होगा, कौन सा ट्रिक्स मैं लगाता हूँ और आप कौन सा ट्रिक्स मैं खोल सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्सरेंस चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक सीरियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ ताकि जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और जल्दी से आप लोग देख पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रियलमी C15, जो कि हमारे पास आया था ये FRP लॉक होके। तो अभी इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ट्रिक्स मैं अपनाता हूँ और कौन सा ट्रिक्स मैं आप लोग कर सकते हैं। ये ट्रिक्स सब आप सभी के लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये नेक्स्ट क्या मैं लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद फिर एक बार इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई डाटा जब भी हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे स्किप का ऑप्शन जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये FRP लॉक अभी भी हमारा मोबाइल में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अभी भी ये लॉक का सिंबल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और कौन सा ट्रिक्स लगाएंगे या फिर मैं कौन सा ट्रिक से खोलने की कोशिश करूँगा, आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक कोड यूज करूँगा, जो कि आपको मैं एंडिंग में बताऊँगा कौन सा कोड मैं दे रहा हूँ और कौन सा कोड में ये खोल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं पर भी मैं इसका कोड में देने की कोशिश करूंगा और आपको भी ये वीडियो को एंड तक देखना ही होगा। ये वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये कोड देने के बाद ये मोबाइल बिल्कुल ही चालू हो गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक सेटिंग यहाँ पर मतलब बिगड़ गया है। क्या बिगड़ा है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सेटिंग में जो ओपन करता हूँ यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं चाइनीज लैंग्वेज में सिलेक्ट हो गया है।
तो अभी ये ए का सिंबल जो जहाँ दिखा रहा है वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन ऊपर से गिनेंगे तो दूसरा ऑप्शन में हम लोग को क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम लोग दूसरा ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारा देशों का, बहुत सारा कंट्री का लैंग्वेज यहाँ पे शो हो रहा है। हमारा कंट्री इंडिया है, इसीलिए हम लोग यूनाइटेड स्टेट का लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। इंडियन इंग्लिश यहाँ पे नहीं दिया है, देख सकते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश हम लोग सिलेक्ट करके ओके कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया हूँ, और देख सकते हैं बैटरी का नीचे एक नाम लिखा आ रहा है जो कि हमको तो पढ़ने नहीं आता, ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके छोड़ दें। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लैंग्वेज हमारा जो था ये इंग्लिश में आ गया है। तो अभी ये हमारा मोबाइल जो पिन पैटर्न या फिर FRP जो भी लगा था ये सब कुछ रिमूव हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो भी टर्म कंडीशन आ रहा है इसको हम अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल अभी अनलॉक हो गया है पूरा अच्छे तरीके से, जो कि नया मोबाइल जैसे हमको देखने के लिए मिलता है ठीक वैसे ही देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये रियलमी का C15 क्वालकॉम बेस्ड वाला मोबाइल है। ये 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये वेरियंट हमको देखने के लिए मिल रहा है और देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कौन सा पिन यूज किया हूँ और कौन सा कोड यूज किया हूँ, कौन सा ट्रिक मैं यूज किया हूँ, ये वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा और आपको दिखा तो दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा मोबाइल ले आके यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा मोबाइल को ले आता हूँ आपके सामने, आपके डिस्प्ले में देख सकते हैं, अभी यह लाऊँगा और देख सकते हैं यहाँ पे मैं दूसरा मोबाइल ले आया हूँ जो कि ये मेरे पास है Realme C15, सेम ही मॉडल है लेकिन इसका कोड जो है ये दोनों अलग अलग है। लेकिन आपके पास कोई भी Realme का मॉडल आए जो कि 2020 के बाद जो नया अपडेट आया है, 2021 में जितना भी सिक्योरिटी अपडेट आया है, ये इस ट्रिक से खोल सकते हैं कोई भी Realme का मोबाइल, कोई भी Oppo का मोबाइल। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये Realme का दोनों ही सेट मेरे पास है, दोनों ही सेम मॉडल है, लेकिन इसका जो कोड है दोनों का अलग अलग कोड है। एक का कोड जो मैं इसका FRP पिन पैटर्न को ब्रेक किया इसका कोड है 2195, लेकिन दूसरा जो मेरा हाथ में लेफ्ट हैंड में है इसका कोड अभी यहाँ पे आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा मोबाइल का जो कोड है आप देख सकते हैं RMX2180। ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही मॉडल में आप लोग ये ट्रिक्स लगा सकते हैं, ये Realme का कोई भी मोबाइल को आप लोग अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें 21 का सिक्योरिटी अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं Realme को हम लोग कैसे बिना PC, बिना फ्लैश फाइल या फिर बिना ISP टूल, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिम या कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों Realme C15 जिसका कोड था RMX2195, यहाँ पे जो कोई भी लॉक लगा था इसको हम हटा दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मैं बोला था यहाँ पे मैं पासवर्ड देने की, तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके पासवर्ड ले सकते हैं, कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, लेकिन ये वीडियो में आपको नहीं बता सकता। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।